जाने वाला पार्टी नहीं रहेगा। पहले भी आज भी हो रहा है, आप लोग पहले होता है मर्डर अपहरण बलात्कार हो रहा है पूरे बिहार में, क्यों नहीं सुधार रहे हैं? कहते हैं कि जंगल राज है, यही का मंगल राज हो रहा है ऐसा पूरा बिहार में हो रहा है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि एक से इसे जंगल राज नहीं कहा जा सकता, बीजेपी कहता है कि इसे जंगल राज नहीं कह सकते हैं। एक ही को हुआ है, पीठ पर कौन लगा हुआ है भाई? क्या है, गुंडा राज है ना? अरे गोपाल मंडल में तो रिवॉल्वर लेके घूम रहा था बीजेपी में, गोपाल मंडल ही घूम रहा है, गुंडा उतरा हुआ है। हम लोग ऑर्डर जो मिलता है करते हैं, वो लोग का कोर्ट में ऑर्डर होता है तो उठवा लेता है। मुख्यमंत्री जी चुप है, मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं मैडम। देखिए कभी भी हॉस्पिटल में रिवॉल्वर नहीं लहराना चाहिए, वहाँ हजारों मरीज एडमिट रहते हैं और डॉक्टर जब हड़ताल करते हैं चाहे डिस्टर्ब होते हैं तो हजारों पेशेंट पर असर पड़ता है। इसलिए कभी भी जनप्रतिनिधि को चाहे किसी भी दल का हो हॉस्पिटल में खासकर इस ढंग का घटना नहीं करना, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। आरजेडी इस चीज का पूरा विरोध करता है और कड़ी कार्रवाई करने का मांग करता है। बहुत मायने नहीं रखता है जिस प्रकार के आरोप होंगे उसके अनुसार जो संबंधित निदेशालय है, प्रवर्तन निदेशालय है, वो अपना काम करती है तो अपना काम कर रही है, इसमें कोई राजनीतिक दृष्टि देखने की आवश्यकता नहीं। IGIMS में कल हंगामा किया गया है परिजनों के द्वारा, एक महिला की मृत्यु के बाद रिवॉल्वर लहराया गया है और आज IGIMS के डॉक्टर हड़ताल पे है, OPD नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिसने भी अगर कुछ इस प्रकार के गैरकानूनी काम किए हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, इन चीज़ों से बचना चाहिए और निश्चित तौर पर जो विभाग है या जो IGIMS का जो प्रशासनिक निकाय है उस निश्चित तौर पर इन सारी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि RJD की तरफ से कि यही जंगल राज है, असली जंगल राज ये है, हम लोग को बदनाम किया जाता नहीं, है। नहीं देखिए 15 वर्षों का इतिहास और कोई एक दिन कोई दुर्भाग्यवश ऐसी घटना हो गई, दोनों का आप तुलना नहीं कर सकते हैं। जो राष्ट्रीय जनता दल का 15 वर्षों का जो शासन का ट्रैक रहा है उसको पूरे उस परिदृश्य में देखना पड़ेगा और पूरा उसका राज्य पर क्या इम्पैक्ट पड़ा उस शासन का, और उसको सिर्फ इस एक घटना से तुलना करना मुझे लगता है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। सर ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई भी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ये लोग, मैंने अखबार पढ़ा, मैं भी सुना हूँ, ये तो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि हॉस्पिटल के अंदर पिस्टल कोई निकाले और इस तरह की मारपीट करे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री को कड़ी से कड़ी, जो भी इन्वॉल्व है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।